हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब फ्रेंड्स। मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान की लाइफ से अचानक से सडनली आप उसकी लाइफ से डिसअपीयर हो जाते हैं, मतलब उसके पीछे पीछे जाना बंद करते हैं, जो आपकी वैल्यू नहीं करता, जो आपकी कदर नहीं करता, जिसे आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, तब उसके दिमाग में क्या चलता है? जिसे आप बहुत प्यार करते हैं वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा और उसकी लाइफ से आप सडनली दूर हो जाते हैं, तब उसके दिमाग में क्या चलता है? कैसे ये चीज पूरी सिचुएशन को पलट देती है? देखिए, मान लीजिए ये जो सन है ये आपको एनर्जी देता है, लाइट देता है, आपको हैप्पीनेस देता है, फ्रेशनेस देता है, इतना कुछ दे रहा है। और मान लीजिए आप ये सन ना निकले, सन आपकी लाइफ से डिसअपीयर हो जाए, शायद आपको कुछ टाइम तक एहसास ना हो, लेकिन फिर आपको एहसास होगा कि आपकी लाइफ से लाइट चली जाएगी, आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल गिर जाएगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठंड बढ़ती जाएगी। हो सकता है अभी आप इसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो, लेकिन जब आपकी लाइफ से डिसअपीयर हो जाता है तो आपको पता चलता है कि आपको क्या क्या देना था। वैसे जब आप किसी की लाइफ से डिसअपीयर हो जाते हैं, मान लीजिए कि आप किसी की लाइफ का सन है, सपोर्ट सिस्टम है, और अचानक से आप उसकी लाइफ से डिसअपीयर हो जाते हैं, तो वो इंसान क्या फील करता है, कैसे वो आपकी कमी का एहसास करता है, उसके मन में क्या क्या चलता है, ये मैं आपको आज पूरा इस वीडियो बताऊंगी, और कैसे वो आपके पास दोबारा लौट के आएगा। सबसे पहली चीज, वो आपकी साइलेंस को महसूस करेगा। जब आप अचानक से सडनली उसकी लाइफ से चले जाओगे जो आपकी वैल्यू नहीं करता, तो शायद उसे एहसास ना हो, लेकिन आप उसकी लाइफ के बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह होते हैं। आप खुद से पहले से उसे गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस करते हैं, आप अपनी तरफ से कॉल मैसेजेस करते हैं, आप हमेशा अपनी तरफ से एफर्ट्स करते हैं, आप ही प्लान बनाते हो, लेकिन जब अचानक से उसकी लाइफ में ये सब होना बंद हो जाता है, आपके मैसेजेस नहीं जाते, आपकी कॉल नहीं जाती, तब उसे एहसास होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो मिस हो रहा है। तब उसे पता चलता है कि आप उसकी लाइफ के बैकग्राउंड म्यूजिक थे जिसमें वो रिलैक्स फील करता था, अब वो म्यूजिक बंद हो चुका है, तो उसे एहसास होता है, उसे पता चलता है, वो ये बात सोचता है कि आप कहाँ गए, ऐसा तो नहीं कि उसने कोई गलती कर दी है, ऐसा तो नहीं कि आप मूव ऑन कर गए, उसे आपकी कमी का एहसास होता है, आपकी साइलेंस महसूस होती है उसे। दूसरा पॉइंट, वो आपकी वैल्यू भी रियलाइज करेगा। जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, समय बीतता जाता है, उस इंसान को आपकी वैल्यू भी पता चलने लगती है। वो केवल इसलिए नहीं कि आप हमेशा कॉल या टेक्स्ट करते थे, आप उसके पीछे जाते थे, आप उसकी हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहते थे, वो इसलिए नहीं, बल्कि टाइम के साथ उसको पता चलता है कि आप किस तरह उसकी लाइफ को इजी और कम्फर्टेबल बनाते थे। जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है, समय बीतता जाता है, हो सकता है कि कुछ डिग्री उसे पता ना चले, वो अपनी लाइफ में एडजस्ट हो जाए, टाइम पास कर ले, लेकिन समय के साथ साथ उससे पता चलता है कि आप उसकी लाइफ का कौन सा सपोर्ट सिस्टम थे और आप उसकी लाइफ को कैसे इजी और कंफर्टेबल बनाते थे। आप उसकी लाइफ के बैकग्राउंड नॉइज की तरह नहीं थे, बल्कि आप उसकी लाइफ के मेलोडी थे, जो उसकी लाइफ के लिए, जो उसको जीने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तीसरी पॉइंट, जब आप उसकी लाइफ से चले जाते हो, आप उसकी लाइफ में नहीं हो, आप उसकी लाइफ से बहुत दूर चले गए हो, कुछ टाइम बाद हो सकता है वो इंसान आपकी लाइफ में एडजस्ट कर ले, आपकी कमी महसूस हो, आपकी साइलेंस महसूस हो, उसके बावजूद भी वो इंसान अपनी लाइफ में एडजस्ट कर ले, लेकिन कुछ टाइम बाद उसे आपकी याद जरूर आएगी, वो उसके मन में आपको लेके एक क्यूरियोसिटी जरूर होगी कि वो आपके बारे में जानना चाहेगा, उसके मन में जिज्ञासा आएगी। वो इसलिए नहीं कि आप उसे कॉन्टेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उससे बात नहीं कर रहे हो, आप उसकी लाइफ से डिसअपीयर हो गए हो, आप कहाँ हो, ये सब जाने के लिए नहीं, बल्कि जब भी वो अकेले में बैठेगा, अपने फोन को स्क्रॉल करेगा, तब सडनली उसके मन में ख्याल आएगा कि आप कहाँ, उसे आपकी कमी महसूस होगी, उसने बहुत दिनों से आपकी आवाज नहीं सुनी होगी, वो आपकी आवाज सुनना चाहेगा, और तब उसे एहसास होगा आप कहाँ हो, आप ठीक हो, कहीं आप अपनी लाइफ में मूव ऑन तो नहीं कर गए, ये सारी चीजें, सारे ख्याल उसके मन में आएंगे। इसलिए सबसे पहले वो आपका सोशल मीडिया चेक करना शुरू करेगा, आपके बारे में जानने के लिए वो आपके सोशल मीडिया में जाएगा, आपको जानने की कोशिश करेगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, इसके लिए सबसे पहले आपको सोशल मीडिया चेक करेगा। फोर्थ नंबर पॉइंट, वो कहते हैं ना कि एब्सेंस किसी के और भी पास ले जाती है, उसकी और भी ज्यादा याद दिलाती है, तो जब आप उसकी लाइफ से एब्सेंस हो तो वो इंसान आपको याद करने लगेगा, आपके बारे में सोचने लगेगा, उसके मन में आपके ख्याल आएंगे। जैसे कि कभी कभी उसने कोई गाना सुना, या किसी ऐसे प्लेस पे गया जहां कभी आप भी उसके साथ थे, या कोई ऐसा गाना जो कभी आप दोनों ने साथ सुना हो, या वो गाना किसी आपकी मेमोरी से, या कुछ आप दोनों ने ऐसा किया उसे रिलेट करता हुआ, तो वो चीज उससे आपकी याद दिलाएगी।
कल तक जो बातें वो सीरियस नहीं ले रहा था, आज वो चीजें वो सीरियस लेने लगेगा, उसे वो चीजें याद आने लगेंगी। जैसे कभी कभी बैठे बैठे सडनली उसके मन में ख्याल आ जाएगा कि आप उसको कितना सपोर्ट करते थे, आप उसकी कितनी हेल्प करते थे, आप उसके लिए कितने सेक्रीफाइसेस करते थे जिसकी उसने कभी वैल्यू नहीं की। वो सारी चीजें उसके दिमाग पे आने लगेंगी, वो सारे सेक्रीफाइसेस, वो सारे सपोर्ट, वो सब सारे हेल्प जो आपने उसके साथ टाइम बिताया था, वो सारे ख्याल उसके मन में तभी आएंगे जब आप उससे दूरी बनाओगे। यकीन मानिए वो आपकी एब्सेंस में आपके ख्याल उसके मन में आने लगेंगे, वो आपके बारे में सोचने लगेगा। जो कल तक आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था वो आपकी एब्सेंस में आपके बारे में सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। फिर तो भगवान जब इतना कुछ हो जाएगा उसकी लाइफ में, वो उसे आपकी याद आने लगेगी, तो जरूरी है कि वो आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेगा, आपके पास आने की कोशिश करेगा, आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश करेगा, वो अपने रिलेशनशिप को पहले जैसा करने की कोशिश करेगा। और जब वो आपकी लाइफ में आएगा, आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा और आपको ऐसा देखेगा कि आप इस टाइम पे इस सिचुएशन पे आ चुके हो कि आप अब अपने बारे में सोचते हो, आप सेल्फ वर्थ पे ध्यान देते हो, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देते हो, आप एक्टिविटीज में एंगेज रहते हो, आप अपनी हॉबीज पे ध्यान देते हो, अब आप अपने डिसीजन खुद लेते हो। मतलब कल तक जो इंसान पूरी तरह से उस पर डिपेंड था, उसे हर बात में वैलिडेशन चाहिए था, उसे हर बात में अप्रूवल चाहिए था, वो हर इंसान आज इतना इंडिपेंडेंट हो चुका है, वो अपनी लाइफ जी रहा है और अपनी बेस्ट लाइफ जी रहा है। तो ये चीज आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। जब वो आपके अंदर इतने सारे चेंजेस देखेगा कि आप सेल्फ ग्रोथ पर, सेल्फ वर्थ पर ध्यान दे रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो, खुद के लिए चीजें कर रहे हो, यकीन मानिए ये चीज उसके बर्दाश्त के बाहर होगी, क्योंकि उसने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं होता है कि आप इस तरह मूव ऑन कर सकते हो, इस तरह आप अपने बारे में सोच सकते हो। कल तक वो आपको ग्रेटिट ले रहा था, आज वो आपको इंपॉर्टेंस देने लगेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। देखिए ये चीजें जो मैंने आपको बताई है, इनमें टाइम लगेगा, ये तुरंत नहीं होगी। आप सोचेंगे ऐसे हो जाए, ये बहुत ज्यादा टाइम लेंगी, लेकिन यकीन मानिए आपको 100% इसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। सर आपसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा, अपने रिलेशनशिप को पहले जैसा करने की कोशिश करेगा। देखिए अगर आपका पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है तो उसके पीछे जाने के बजाय आप ये ट्राई करके देखें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस लव एडवाइस, लव टिप्स और मोटिवेशन वीडियो आपकी लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।